सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय। और जिस तरह से कल रिजल्ट आया, इस रिजल्ट के अंदर जिस तरह से जिस जिस पॉलिटिकल पार्टी को सीट्स मिली हैं, वो तो हम आपको कल से ही बता रहे हैं और कौन कौन से कैंडिडेट्स जीते हैं। अभी सरकार कौन बनाएगा, इसके बारे में चर्चाएं चल रही हैं। मैं आज एक बड़े ही महत्वपूर्ण इशू के ऊपर बात करने आया हूं, और ये महत्वपूर्ण इशू है कि राजौरी और पुंछ से भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ एक ही सीट मिली, वो मिली सुंदरबनी कालाकोट की सीट, बाकी सीट्स नहीं मिली। उसके पीछे क्या कारण है, मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं प्रीति जी, उनसे हम बातचीत करेंगे, क्योंकि बड़ा ही क्लोजली इस पूरे इलेक्शन को प्रीति जी ने एनालाइज किया है। और आखिरकार राजौरी पुंछ बेल्ट के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि पहाड़ी कम्युनिटी को स्टेटस भी मिला, भारतीय जनता पार्टी ने दिलवाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया, लेकिन फिर भी जो चेहरे उन्होंने उतारे थे वो जीत नहीं पाए। उसके पीछे क्या फैक्टर्स रहे, पहाड़ियों ने वोट दिया इसमें कोई दो राय नहीं है, और वोट पड़ा भी है, लेकिन फिर भी क्या कारण रहे, क्या कुछ लीडर्स के चेहरों के चुनने में कमी रही, या फिर वहां पर वहां के वोटर्स किसी और को चाहते थे वो आए, क्या ये कारण रहे, क्योंकि सैयद मुश्ताक बुखारी साहब भी तीसरे नंबर पर आए, जो आज इस दुनिया में भी नहीं है, लेकिन उनका यही कहा जा रहा था कि वो तो जीतेंगे जीतेंगे, लेकिन वो भी तीसरे नंबर पर आए। तो क्या कुछ फैक्टर्स रहे, इस सारी चीज के ऊपर हम बात करेंगे। आप भी अपनी राय रख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो से बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि पहाड़ी स्टेटस के लिए जिस तरह से मैंने इतनी जंग लड़ी और हमेशा अपने पहाड़ियों के साथ खड़ा हूं, मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूं, क्योंकि मैं कल से देख रहा हूं कुछ एक दो लोग हैं जिनको तो मैंने पहाड़ियों के लिए आज तक कभी आवाज उठाते नहीं देखा, लेकिन कल से वो जो है बरसाती मेंढकों की तरह सामने आ रहे हैं। तो मैं उनको कहूंगा आप अपने काम जारी रखिए, लेकिन आशीष कोहली आज भी पहाड़ियों के साथ खड़ा है। मैम, राजौरी और पुंछ बेल्ट की हम बात करेंगे, सिर्फ एक सीट आई वहां पर, क्या लगता है मैम क्या रहा जिस वजह से ये सब चीज हो गई? बिल्कुल सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि जो नैरेटिव है उसको सामने लाना चाहिए था, क्योंकि बहुत से इलॉजिक और बहुत इररिलेवेंट फैक्ट्स जो थे वो कल से मैंने देखा है कि मीडिया में जो है वो आ रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना है कि बेसिकली क्या सिनेरियो है। तो उसमें मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहती हूँ कि अगर आज से पहले 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी जो थे वो सेंटर में जीती थी, उससे पहले जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी जो है उसकी कोई रेलिवेंस उस हिसाब की नहीं थी, खासकर पीर पंजाल रेंज में अगर आप देखेंगे, यानी पहाड़ी रेंज में। इनफैक्ट अगर हम बात करें कश्मीर रीजन की, तो कश्मीर में जैसे कुपवाड़ा है, करना एरिया है, और उसके बाद गांधरबल और अनंतनाग एरियाज जो है, उड़ी एरिया है, वो पहाड़ी बेल्ट है सबके सब। लेकिन वहां पे भी बीजेपी जो था वो नहीं थी। अगर बीजेपी वहां पे आई है तो सिर्फ और सिर्फ पहाड़ीज की वजह से आई है। अगर ये तो बात थी कि बीजेपी का किस तरीके से इन एरियाज में असेमिलेशन हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ पहाड़ीज की वजह से हुआ है। दूसरी चीज सर, अगर आप देखेंगे तो इन इलेक्शंस में, इलेक्शंस को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। पहले इलेक्शंस जो कि बीडीसी डीडीसी के हुए थे, और दूसरे इलेक्शन जो आज के इलेक्शन से हमारे असेंबली इलेक्शन जो है, यूटी के जो असेंबली इलेक्शन है। अगर आपने देखा होगा तो दरहाल रीजन, उसकी बात मैं जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि दरहाल से जो इकबाल मलिक साहब जो कि डीडीसी मेंबर जो जीते हैं वहां से, वो बेसिकली बीजेपी की सीट से जीते थे। तो दैट मीन्स ये बहुत बड़ी बात थी कि इन इलेक्शंस में भी बीजेपी को सपोर्ट किया है पहाड़ी रीजन में। अब अगर हम बात करते हैं इस वाले एरिया की, यानी कि सॉरी इस वाले इलेक्शंस की, यानी असेंबली इलेक्शंस की, तो अगर आप वोट परसेंटेज देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा बीजेपी की साइड गया है। और बड़े बड़े दिग्गज लीडर्स जो पहाड़ी लीडर्स हैं, उन्होंने बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किया और उस पार्टी के नाम पे इलेक्शंस लड़े। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक ऐसी बेल्ट जहां पे पहले बीजेपी के कैंडिडेट नहीं उतरते थे, और वहां पहाड़ीज ने बीजेपी को असिमिलेट करवाया इन एरियाज में। और बड़े बड़े दिग्गज लीडर्स जो थे हमारे, जैसे आपने खुद नाम लिया बुखारी साहब का, वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने बीजेपी का झंडा जो था वो सुरनकोट तक पहुंचाया। अगर आप जम्मू पुंछ की बात करेंगे, वहां बीजेपी के झंडे हमने देखे, करना जैसे एरिया जो पीओके का बॉर्डर है वहां पे हमने बीजेपी के झंडे देखे, और ये सब झंडे उठाने वाले जो थे वो पहाड़ी से।
अगर हम पर्टिकुलरली इलेक्शंस की बात करें तो मैं आज एक डेटा लेकर आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारे जो भी आपके व्यूअर्स हैं उनके बीच में वो एक नैरेटिव हमारा आना चाहिए कि लोग जो है वो इस तरीके को बहुत इलॉजिकली वे में कुछ लोग इसको प्रेजेंट कर रहे हैं। और आप, मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आप कॉइन के दोनों साइड्स को देखते हो, और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए आप हमारे पास आज आप यहाँ पे आए हैं ताकि पहाड़ी हमारी जो पॉपुलेशन है उनको ये बात पता चल सके कि आशीष कोहली जो है वो दोनों साइड्स को इक्वली आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। तो पहाड़ी लोगों के लिए या बाकी लोगों के लिए जो ये नैरेटिव सेट करे उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि सर अगर हम बात करें दरहाल रीजन की, तो इकबाल मलिक साहब एक पहाड़ी लीडर हैं जिन्होंने 26,000 वोट्स लिए हैं। तो ये जो 26,000 वोट देने वाले, ये ऊपर नीचे फिगर हो सकती है कुछ पॉइंट्स की, लेकिन 26,000 वोट किसने किया है, ये पहाड़ी ने किया है। और कैंडिडेट्स कौन कौन से हैं, बीजेपी के। तो ऑब्वियसली बात है अगर 1,000 या 2,000 वोटों से आप अगर हारते हैं तो उसमें पार्टी की जो है वो गलती नहीं है, ना कैंडिडेट की गलती है। बहुत से फैक्टर्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उन फैक्टर्स की बात हम बाद में करेंगे, अभी मैं सिर्फ एक डेटा प्रोवाइड करवा रही हूँ। उसके बाद अगर हम रजौरी की बात करें तो विबोध गुप्ता जी जो थे वो वहां से बीजेपी की सीट से इलेक्शन लड़ रहे थे और 27,000 वोट्स उन्होंने जो है वो लिए हैं, उससे ज्यादा वोट लिए हैं। तो ये सारे वोट्स किसने दिए हैं उनको, पहाड़ीज ने। उसके बाद अगर मैं नौशहरा की बात करूं तो नौशहरा से रविंदर रैना साहब चाहे वो इलेक्शन हार गए लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा बहुत बहुत बड़ा मार्जिन नहीं था, उन्होंने 27,000 वोट जो है वो वहां से लिए। तो वहां पे भी कौन थे, पहाड़ी, यानी कि उनका जो अपोजिट कैंडिडेट था उन्होंने बहुत ज्यादा मार्जिन में नहीं जीते, थोड़े बहुत मार्जिन से जीते हैं, लेकिन वोट करने वाले कौन है, पहाड़ी है। उसके बाद अगर मैं आपको बात करूं रणधीर सिंह जी की, जो कि सुंदरबनी और कालाकोट कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीते हैं, 35,000 वोटों से जीते हैं, वो बीजेपी के कैंडिडेट, और वो सब कौन है, पहाड़ी है। सिमिलरली अगर हम पुंछ की बात करें तो वहां पे भी बीजेपी के कैंडिडेट को एक अच्छा खासा वोट परसेंटेज जो उनकी तरफ डाइवर्ट हुआ है। तो दैट मीन्स वहां से ये पता चलता है कि बीजेपी की सबसे पहले असिमिलेशन इन एरियाज में होना वो पहाड़ीज की वजह से हुई, प्लस बहुत सी बड़ी बड़ी टॉवरिंग पर्सनैलिटीज ने बीजेपी को ज्वाइन किया वो भी पहाड़ीज ही थे, और प्लस यहाँ पे वोट परसेंटेज इतना ज्यादा अगर बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ है कि जो पार्टी पहले वहां पे तीसरे या चौथे नंबर पे थी आज वो सेकंड नंबर की पार्टी बन के आई है, तो दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ पहाड़ी पॉपुलेशन ओवर देयर। तो ये जो बात बार बार चल रही है कि एसटी हमें मिला, एसटी के मिलने के बाद भी पहाड़ीज ने वोट नहीं किया, तो ये तो बिल्कुल खारिज करती हूँ मैं इस बात को, क्योंकि बहुत ज्यादा वोट परसेंटेज जो है वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ है। सर मैम, जो फैक्टर्स की हम बात करें, क्या फैक्टर पीछे रहे इन सब चीजों के जिस वजह से ये सारा चीज हुई है? सर मैंने आपको बोला कि फैक्टर्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और अगर हम इन बेल्ट्स की बात करें जहां पहाड़ीज बेल्ट हैं या कोई भी बेल्ट होगी, इसमें सर सबसे बड़ा फैक्टर होता है डेवलपमेंटल फैक्टर्स, कि डेवलपमेंट किस लेवल की है। लोग जब जनरल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो चेहरा देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कौन है और पार्टी कौन है, लेकिन जब लोकल लेवल के इलेक्शन होते हैं, यानी कि जब असेंबलीज के इलेक्शन होते हैं, तो बहुत से लोकल फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर होता है डेवलपमेंटल फैक्टर, कि लोग देखते हैं डेवलपमेंट कितनी हुई है। दूसरे नंबर का जो फैक्टर होता है वो होता है जो लीडर जो खड़ा है उसकी लाइजनिंग कितनी है लोगों के साथ। आप अगर देखेंगे तो कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं जो अपनी एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी या दूसरी पार्टी को छोड़ के तीसरी पार्टी में जाते हैं, तो लोग अचानक ये मन नहीं बना सकते उस टाइम पे कि हमें इनको वोट करना या किसको वोट करना, तो लोग बहुत ज्यादा किसमें रहते हैं, मतलब लाइक बहुत एक डायलिमा में लोग रहते हैं। तो कैंडिडेट का चुनाव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उस कैंडिडेट की अपने लोकल लेवल पे क्या उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है सर, हमारे एरियाज में खासकर जो पहाड़ी बेल्ट वाले एरिया होते हैं, यहाँ पे ये पीरी और मुरीदी का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि लोग ऐसी ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो पीरों की फैमिली से, तो बहुत ज्यादा वोट इस तरीके से भी जो है वो डाइवर्ट हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी इन तीनों फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए, और भी बहुत से फैक्टर्स होते हैं उनको कंसिडर करते हुए भी, बहुत ज्यादा वोट शेयर जो है वो बीजेपी की तरफ किया है, और मुझे लगता है कि इस चीज को बीजेपी के जो यहाँ पे जो जम्मू में हेडक्वार्टर है उसे भी जो है वो कंसिडरेशन में लाना चाहिए, और एक जरूर एक पब्लिक नरेटिव जो है वो आना चाहिए कि कितना ज्यादा वोट शेयर जो है वो बीजेपी की तरफ गया, जो पहले पॉसिबल हो ही नहीं सकता था। आप खुद सर इतने टाइम से जर्नलिज्म में आप खुद देख सकते हैं कि आज अगर करना जैसे एरिया जो पीओके से जुड़ा हुआ एरिया, अगर आज बीजेपी का वहां झंडा किसी के घर पे लगा है तो वो पहाड़ी की वजह से लगा है, क्योंकि वहां 90 से लेकर 95% लोग पहाड़ी हैं। सिमिलरली अगर आप पुंछ चले जाएंगे, आप रजौरी चले जाएंगे, आप नौशहरा, सुंदरबनी, इन सब जगहों पे सिर्फ और सिर्फ पहाड़ी रह रहे हैं।
तो इसीलिए ये नैरेटिव जो है ये बहुत गलत नैरेटिव है, इसको जो है वो पब्लिकली आना चाहिए सामने। और मैं तो पहाड़ी लीडर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि उनको सामने आना चाहिए और बताना चाहिए कि कितने ज्यादा वोट्स उन्होंने लिए। और ये तो बहुत मतलब लाइक हार जीत जो होती है इट्स ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ पॉलिटिक्स। अगर आज कोई लीडर जो है वो हार रहा है वो कल जीत भी सकता है, और कल जो जीता है वो आज हारा भी है। तो ये इट्स ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ पॉलिटिक्स, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और हमें प्राउड है अपने लीडर्स पे कि जिन्होंने पूरे मैदान में आके खुल के इलेक्शन लड़ा और बहुत से पहाड़ियों ने उनको सपोर्ट किया है। एक और बात सामने आ रही है ना कि कुछ फेसेस भी होने चाहिए थे, कुछ यूथ फेसेस भी इन इलेक्शंस में होने चाहिए थे इस बेल्ट में, जो शायद नहीं दिए गए। सर एक्चुअली में क्या होता है कि जब कोई टिकट्स दी जाती हैं तो उस टिकट्स का जो बेस होता है वो बेसिकली आम इंसान के पास, हम जैसे लोगों के पास उसका एक्सेस नहीं है कि किस तरीके से टिकट्स जो हैं वो बांटी जाती है। लेकिन जब कोई भी पार्टी किसी टिकट को बांटता है तो उसके पीछे उसकी एक बहुत बड़ी स्टडी होती है और बहुत बड़ा उनकी जो है वो टीम एक काम करती है। तो उसमें मेरी तो अथॉरिटी नहीं है कि मैं ये बात कहूँ कि किसको टिकट देनी चाहिए या किसको नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि कुछ ऐसे फेसेस थे जिनको शायद वहां की कम्युनिटीज या वहां के लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाए या फिर वो समझ नहीं पाए कि क्या हमें इनके साथ जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए। क्योंकि इट मे बी पॉसिबल कि ग्राउंड लेवल पे शायद उन लीडर्स ने उतना काम शायद नहीं किया कि लोग उनके साथ जुड़ नहीं पाए, और उसकी वजह से ये हुआ कि एक मिसमैच हो गया। और जो जहां पे इतना हुजूम जो जुड़ा था कि हमने बीजेपी को ही वहां पे वोट करना है पहाड़ी बेल्ट में, वो कहीं ना कहीं शायद ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिकट्स की वजह से या किसी और फैक्टर की वजह से शायद ये एक रीजन हो सकता है, ये पर्सनली मेरा मानना है। लेकिन बीजेपी या कोई और एनसी या फिर पीडीपी वो बड़े अपने एक्यूमेन और विजडम से ही टिकट्स जो हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करती है, उन्हें ज्यादा पता होता, हमसे बहुत ज्यादा उन्हें पता होता है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि इसके पीछे के बहुत से फैक्टर्स हैं, टिकट की कंट्रीब्यूशन भी या टिकट की सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है वन ऑफ द फैक्टर हो सकती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मैम। और ये चीज एक बार आना बहुत जरूरी था, क्योंकि जिस तरह से कल से ना कई सारी चीजें और ये भी सुनने को मिला था कि वोट नहीं दिए, तो प्रीति मैम ने पूरे तरीके के साथ समझाया है कि वोट तो दिए हैं पहाड़ी कम्युनिटी ने, लेकिन बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं इलेक्शन में जो सामने आते हैं। चलिए, उनके ऊपर एनालिसिस भारतीय जनता पार्टी खुद करेगी। लेकिन जहां पर बात रही कि पहाड़ी स्टेटस जो मिला है पहाड़ियों को, वो बिल्कुल डिजर्व करते थे और उनको मिलना ही चाहिए था, ये बात मैं पहले से कहता आया हूं, आज भी ये बात कहूंगा। हाँ, जो यहां पर रजौरी और पुंछ के एरियाज में नुकसान हुआ है, नुकसान में हम भारतीय जनता पार्टी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कई लोगों को यह भी लगेगा कि शायद उसी पार्टी की बात कर रहे हैं, वो इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये जो स्टेटस है ये मोदी गवर्नमेंट के बीच में मिला है। तो मोदी गवर्नमेंट अगर किसी को स्टेटस देती है और वहां से वो सीटें मोदी सरकार को या भारतीय जनता पार्टी को नहीं जाती, तो ये बात डिस्कशन का एक एक मतलब एक फैक्टर बनी है कि उसको डिस्कशन में लाया जाए। अगर ये एसटी स्टेटस किसी और पार्टी ने, यूपीए ने दिया होता, कांग्रेस पार्टी ने दिया होता, तब उस तरह से इसका पूरा एनालिसिस किया जाता, लेकिन इस समय एनालिसिस इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये मोदी सरकार में दी गई। बाकी बात रही पहाड़ी कम्युनिटी की, तो पहाड़ी कम्युनिटी डिजर्व करती थी एसटी स्टेटस, इसलिए उनको मिला। हार जीत दो अलग अलग पहलू हैं, जैसे मैम ने कहा, आज जो हारे हैं कल वो जीतेंगे भी, आज जो जीते हैं कल वो हारेंगे भी, तो ये चीजें बड़ी साफ स्पष्ट है। अगर उमर अब्दुल्ला साहब एमपी का इलेक्शन हार सकते हैं, तो आज दो दो सीटें एमएलए के इलेक्शन में जीत भी रहे हैं, तो ये हार जीत चलती रहती है, लेकिन जो डिजर्व करता उन्हें वो मिलना चाहिए। एक मेरे भाई बीच में बोल रहे थे कि तू डोगरा सीएम की बात कर रहा था, आज क्यों चुप है। डोगरा सीएम पे एक मेरी स्पेसिफिक वीडियो आएगी आज शाम पर, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब मैं डोगरा सीएम की बात करता हूं ना, तो उसमें सबसे बड़ी बात आती है हमारे जम्मू प्रोविंस का सीएम, और जम्मू प्रोविंस के अंदर हमारे डोगरे भी हैं, पीर पंचाल के लोग भी हैं और चनाब वैली के लोग भी आते हैं। तो जब मैं चीफ मिनिस्टर की बात करता हूं, तो वो पूरे इन तीनों खित्तों को देख के बात करता हूं, जिसके अंदर जम्मू प्रोविंस पूरा आता है। धन्यवाद जी, जवाब मिल गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोगों को समझ नहीं आई होगी, शाम को मैं इसके ऊपर एक डिस्क्राइब्ड वीडियो बनाऊंगा और उसके अंदर आपको अच्छे तरीके के साथ जो है अपना पक्ष जरूर रखूंगा। धन्यवाद जी, राम राम।